हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द सेकेंड चैप्टर। प्लांट्स गिव अस, प्लांट हमें देते हैं। तो इस चैप्टर में हम उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे जो कि प्लांट्स हमें देते हैं या फिर जो हम प्लांट्स से लेते हैं। ऑलराइट, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जो है कुछ एग्जांपल्स दे पाएंगे कि कैसे प्लांट्स जो है फूड के तौर पर यूज होते हैं। आप जो है प्लांट्स के दूसरे यूजेस के बारे में बात कर पाएंगे और आप एक रेनबो सैलड भी बना पाएंगे। तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर नाउ। यू ऑलरेडी नो दैट प्लांट्स मेक आवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल। आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो हमारे सराउंडिंग्स को यानी कि आसपास की जगह को ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत बनाते हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, प्लांट्स हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स से जो हमें फूड मिलते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद फूड, प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स, हम प्लांट्स से फ्रूट हासिल करते हैं, फल हासिल करते हैं। देख रहे हैं ये फ्रूट्स हमें कहां से मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं। एप्पल्स, मैंगोज, पपायास, सब के सब। द रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स। तो कई प्लांट्स जो हैं उनके रूट्स यानी कि जड़, स्टेम्स यानी कि तना, लीव्स पत्तियां एंड फ्रूट्स फल, ये जो है वेजिटेबल्स के रूप में खाए जाते हैं। वी ईट द रूट्स ऑफ प्लांट्स सच एज बीट रूट, टर्निप, रेडिश एंड कैरेट। हम जो है प्लांट्स के रूट्स को खाते हैं जैसे कि बीट रूट, टर्निप, रेडिश एंड कैरेट। We eat the stems of plants such as potato, ginger and sugarcane. हम जो है प्लांट्स के स्टेम्स को खाते हैं यानी कि तना को खाते हैं जैसे कि potato, ginger and sugarcane. आपको पता है potatoes और ginger जो है ये underground stems कहलाते हैं, यानी कि वो स्टेम्स जो जमीन के नीचे ग्रो कर जाते हैं। वी ईट द लीव्स ऑफ प्लांट्स सच एज मिंट, स्पिनक, कोरिएंडर एंड कैबेज। हम जो है प्लांट्स की पत्तियों को खाते हैं जैसे कि मिंट, स्पिनक, कोरिएंडर यानी कि धनिया पत्ता एंड कैबेज। पहचान गए सबको? गुड। टोमेटो, लेडीज फिंगर एंड ब्रिंजल आर एक्चुअली फ्रूट्स दैट वी ईट एज वेजिटेबल्स। टोमेटो, लेडीज फिंगर्स एंड ब्रिंजल ये एक्चुअली फ्रूट्स हैं जो कि हम वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं। वी ऑल्सो गेट सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम सम प्लांट्स। हम जो है कुछ प्लांट्स से सीरियल्स और पल्सेज भी प्राप्त करते हैं। सीरियल्स एंड पल्सेज आर सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी ईट। सीरियल्स एंड पल्सेज एक्चुअली प्लांट्स के सीड्स हैं जिन्हें कि हम खाते हैं। राइस एंड व्हीट आर एग्जाम्पल्स ऑफ सीरियल्स। राइस और व्हीट ये सीरियल्स के एग्जाम्पल हो गए। बीन्स एंड दाल्स आर पल्सेज। बीन्स और दाल ये जो है पल्सेज के एग्जाम्पल हो गए। यहां पर जो है एक भेल बनाने की एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी को आप जो है अपने टीचर के साथ क्लास में पूरा कर लीजिएगा या फिर घर पे अपने पेरेंट्स की मदद से भी आप इसको पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास नहीं चाहिए, बस जो है पफ्ड राइस यानी कि मुरी चाहिए, चॉप्ड ऑनियन यानी कि बिल्कुल छोटा छोटा कटा हुआ प्याज चाहिए, टोमेटो टमाटर कटा हुआ,
खीरा कटा हुआ और ग्राउंड नट्स मूंगफली कटा हुआ चाहिए, मूंगफली चाहिए इसके लिए। एक चम्मच जो है आपको कुकिंग ऑयल चाहिए, हमारे यहाँ सरसों का ऑयल यूज होगा। स्पाइसेस कुछ मसाले वगैरह है ना, जैसे कि वो जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, फिर जो है सॉल्ट चाहिए, नमक, लाइम जूस, नींबू का रस और एक मिक्सिंग बॉल मिलाने वाला कटोरा। पफ राइस लीजिए, मुरही और वेजिटेबल्स है ना, ये अनियन, टोमेटो, क्यूकम्बर, ग्राउंड नट्स, ये सब लीजिए, मिक्सिंग बॉल में डालिए इसको। एक चम्मच जो है इसमें कुकिंग ऑयल डाल दीजिए आप, एक चम्मच जो है तेल डाल दीजिए, अपने हिसाब से आप मसाले मिलाइए और थोड़ा सा जो है पिंच ऑफ सॉल्ट यानी कि थोड़ा सा जो है नमक मिला दीजिए। एड 1 टीस्पून लाइम जूस एंड मिक्स वेल। एक चम्मच जो है इसमें नींबू का रस मिला दीजिए और बढ़िया से मिक्स करिए इसको। अब आप जो है स्वादिष्ट जो है भेल खाइएगा और साथ ही साथ उसके बाद आप इस टेबल को पूरा करिएगा, राइट? कि जो जो ये फूड आइटम यूज हुआ है ये प्लांट के किस हिस्से से आया है। ऑलराइट, फैंटास्टिक। नाउ लेट अस लर्न अबाउट मोर थिंग्स दैट प्लांट गिव अस। टी, कॉफी एंड सुगर। वी मेक टी फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट। हम जो है टी प्लांट के लीव्स यानी कि पत्तियों से टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं। कॉफी इज मेड फ्रॉम कॉफी बीन्स। कॉफी जो है वो कॉफी बीन्स से बनाया जाता है। सुगर इज मेड फ्रॉम सुगर केन जूस। सुगर यानी कि चीनी जो है वो गन्ने के रस से बनाया जाता है। सुगर केन किसको कहते हैं? गन्ना। पिक्चर देखे थे ना अभी अभी बुक में? यस। आपको पता है वैसे कि चिक्कामगालुरु जो है कर्नाटका में एक जगह, ये इंडिया में कॉफी का बर्थ प्लेस है और पहला कॉफी का सीड जो है यहाँ पर 350 ईयर्स पहले जो है प्लांट किया गया था। अब आप इस जो है ट्रू एंड फॉल्स वाले एक्टिविटी को क्विकली कंप्लीट करिएगा वीडियो को पॉज करके। ग्रेट, नाउ वी ऑल्सो गेट स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स। हम प्लांट से स्पाइसेस भी प्राप्त करते हैं। वी गेट स्पाइसेस सच एज टर्मरिक, चिलीज एंड पेपर फ्रॉम प्लांट्स। हम जो है मसाले जैसे कि टर्मरिक हो गया, चिलीज हो गया एंड पेपर हो गया, वो काली मिर्च वगैरह जो है ना, तो ये सब भी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से प्राप्त करते हैं। पेपर आप लोग जानते हैं? मरीच, घर पे पूछिएगा। या दैट्स पेपर। स्पाइसेस आर एडेड टू फूड टू गिव इट टेस्ट, कलर एंड फ्लेवर। खाने में जो है स्वाद, रंग और जो सेंट आता है ना, तो ये सब कहाँ से आता है? स्पाइसेस इसीलिए मिलाए जाते हैं फूड में। यहाँ पर जो स्पाइसेस के फोटोज दिए हुए हैं ना, आप घर पे अपने पेरेंट्स के हेल्प से इन सभी स्पाइसेस का नाम जान सकते हैं और क्लास में आके बाकी बच्चों को बता सकते हैं और अपने टीचर्स को बता सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑयल फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से मिलने वाले ऑयल, तेल। वी गेट ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज मस्टर्ड, ग्राउंड नट एंड सनफ्लावर। तो हम जो है सरसों, ग्राउंड नट, मूंगफली और सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी के जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनसे हम ऑयल प्राप्त करते हैं, तेल प्राप्त करते हैं। ऑयल इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड फॉर मेकिंग सोप्स एंड शैम्पूज। ऑयल जो है वो खाना बनाने के लिए यूज होता है और साबुन और शैम्पू बनाने में यूज होता है। मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से मिलने वाले मेडिसिन्स। प्लांट्स सच एज नीम, टर्मरिक एंड तुलसी हैव मेडिसिनल वैल्यू। तो प्लांट्स जैसे कि नीम, टर्मरिक और तुलसी जो है, इनमें मेडिसिनल वैल्यू होती है यानी कि दवाई वाला गुण, औषधि वाला गुण होता है इनमें। मेडिसिन किसको कहते हैं? जो कि हमारी बीमारियों को खत्म करता है ना। मेनी मेडिसिनल प्लांट्स आर यूज्ड एज होम रेमेडीज फॉर कॉमन कोल्ड एंड कफ। कई मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं
वो होम रेमेडीज यानी कि घरेलू उपचार के तौर पर यूज होते हैं। जो कॉमन सर्दी खांसी हो जाती है ना, उसमें जैसे आपको सर्दी खांसी होती है तो मम्मी दूध में टर्मरिक मिला के देती है, हल्दी, या फिर जो है तुलसी के रस के साथ हनी मिलाकर देती है। तो ये सब क्या हो गए? होम रेमेडीज हो गए, घरेलू उपचार हो गए। फाइबर फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट्स से फाइबर भी मिलता है। प्लांट्स सच एज कॉटन एंड जूट गिव अस फाइबर्स। तो प्लांट्स जैसे कि कॉटन और जूट हमें फाइबर्स देते हैं। फाइबर्स आर फाइन थ्रेड्स दैट आर यूज्ड टू मेक क्लोथ। फाइबर्स जो है ये बहुत ही महीन, फाइन का मतलब क्या होता है, बहुत ही महीन, बहुत ही पतला पतला जो है रेशे होते हैं फाइबर्स, ये बहुत पतले पतले धागे होते हैं जिनका यूज किया जाता है कपड़े बनाने में। वी मेक क्लोथ्स, बैग्स, रोप्स एंड मैनी अदर थिंग्स फ्रॉम कॉटन एंड जूट फाइबर्स। हम जो है बनाते हैं कपड़े, बैग, रस्सियां और कई सारी चीजें कॉटन और जूट के फाइबर्स से। देख रहे हैं ना, ये सभी उन चीजों के फोटोज हैं, पिक्चर्स हैं जो कि हम कॉटन और जूट फाइबर्स से बनाते हैं। वुड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से हमें लकड़ी भी मिलती है ना। यस, द वुड ऑफ सम प्लांट्स इज यूज्ड टू मेक चेयर्स, टेबल्स, पेंसिल्स, टॉयज, डोर्स एंड बेंचेज। कुछ प्लांट्स की लकड़ियां जो हैं वो चेयर यानी कि कुर्सी, टेबल्स, पेंसिल, टॉयज, खिलौने, डोर्स यानी कि दरवाजे एंड बेंचेज, बेंचेज जिस पर लोग बैठते हैं, तो ये सब बनाने में भी यूज होता है, राइट? ये सब उन चीजों के पिक्चर्स हैं जो कि वुड से बनाए जाते हैं। पेपर, रबर एंड गम फ्रॉम प्लांट्स। यस, कागज, रबर और गोंद जो होता है ना, गम, ये भी हमें प्लांट्स से ही मिलता है। वी मेक रबर फ्रॉम द जूस ऑफ रबर ट्रीज। हम जो है रबर ट्री के जूस यानी कि रस से रबर बनाते हैं। देख रहे हैं, ये रबर का ट्री है और उसका जूस निकाला जा रहा है जिससे कि रबर बनाया जाएगा। पेपर इज मेड फ्रॉम बैम्बू प्लांट्स। पेपर जो है वो बांस के पौधे से बनाया जाता है। गम इज मेड फ्रॉम द जूस ऑफ द अकेकिया ट्री। अकेकिया नाम का जो पेड़ होता है उसके रस से, जूस से गम बनाया जाता है, गोंद बनाया जाता है। परफ्यूम्स फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हमें परफ्यूम भी मिलता है। फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स सच एज रोज एंड जैस्मिन आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स। कुछ पौधों के फ्लावर्स जैसे कि रोज या जैस्मिन के फ्लावर्स जो हैं वो परफ्यूम बनाने में यूज किए जाते हैं, सेंट बनाने में यूज किए जाते हैं, राइट? सम अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के कुछ और यूजेस। प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स। प्लांट्स जो हैं वो जानवरों को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। फूड मतलब खाना और शेल्टर मतलब रहने की जगह। फ्रेश फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशंस। ताजे जो फूल होते हैं वो डेकोरेशंस में यूज होते हैं ना, सजाने वगैरह में यूज होते हैं ना। मैन्योर इज मेड फ्रॉम ड्राई प्लांट पार्ट्स। पेड़ के हिस्से जो सूख जाते हैं ना, पत्तियां वगैरह, छिलके वगैरह, उनसे क्या बनाया जाता है? मैन्योर। बेसिकली इनको सरा गलाकर मैन्योर बनाया जाता है। मैन्योर का यूज हम लोग जमीन की उपज को बढ़ाने के लिए करते हैं। मिट्टी में हम मैन्योर को जब मिलाते हैं खेत की मिट्टी में, तो इससे खेत की उपज बढ़ जाती है। वी शुड प्लक फ्लावर्स और लीव्स फ्रॉम प्लांट्स। हमें जो है पौधों से फूल या पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स। हमें और ज्यादा पौधे उगाने चाहिए। इससे अच्छा होगा ना, आपके आसपास की जगह भी खूबसूरत रहेगी और बहुत सारी काम की चीजें भी मिलेंगी। तो
तो चलिए एक बार हम लोग क्विकली जो है रिव्यू कर लें कि प्लांट्स से हमें बहुत सारी यूजफुल चीजें मिलती हैं, जैसे कि स्पाइसेस यानी कि मसाले, टी यानी कि चाय, पल्सेज एंड सीरियल्स राइट, दाल और अनाज वगैरह, सुगर यानी कि चीनी, ऑयल यानी कि तेल, कॉफी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट्स से मिलती हैं। इसके अलावा परफ्यूम भी हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से हम परफ्यूम बनाते हैं। फाइबर जैसे कि कपड़ा, बोरा, ये सब बनता है, तो वो फाइबर भी हमें कहाँ से मिल सकता है? प्लांट्स से। रबर, गोंद, गम यानी कि ये सब भी किधर से मिलते हैं? प्लांट्स से। और मेडिसिन्स और पेपर भी हमें प्लांट से मिलता है। तो चलिए ये चैप्टर आपने पूरा समझ लिया, तो अब आप इस चैप्टर के एंड में दिए हुए एक्टिविटीज को पूरा करिएगा। बाय बाय।